हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली नई वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज आपकी भरी जाएंगी इंटरव्यू के द्वारा, तो इनकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करें वैकेंसीज़ की, तो वॉक इन इंटरव्यू की बात करेंगे। सबसे पहले कब कब कंडक्ट होंगे, तो सीनियर रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट फेलो सीरियल नंबर 1, 2, 3 के लिए कंडक्ट किए जाएंगे 30 अप्रैल 2021 सुबह 11 बजे। सीरियल नंबर 4 से 6 रिसर्च एसोसिएट 3 सीनियर रिसर्च फेलो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए होंगे 4 मई 2021 को। 7 सीरियल से लेके 9 सीरियल नंबर तक यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट एसोसिएट, यंग प्रोफेशनल और रिसर्च एसोसिएट के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट होंगे वो होंगे आपके 6 मई 2021 को। और 10 और 11 सीरियल नंबर के लिए यानी कि रिसर्च एसोसिएट, यंग प्रोफेशनल 1 और 2 के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट होंगे वो होंगे 11 मई 2021 सुबह 11 बजे। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या आपकी पोस्ट रहेगी, क्या उसमें आपकी सैलरी, क्या उसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइटल आप यहाँ से देख सकते हैं, यह है प्रमोशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन ऑफ 4 इंपॉर्टेंट हर्ब्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए पहली पोस्ट है सीनियर रिसर्च फेलो की, 35,000 इसमें सैलरी रहेगी। एक पोस्ट है PhD आपने किया होना चाहिए MA/Forest Products/Forestry, रिलैक्सेबल रहेगा। MSc इन द कंसर्न डिसिप्लिन विद नेट क्वालिफाइड, अगर किसी ने MSc किया है विद नेट क्वालिफाइड तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन रहेगा। और बात करें इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो नॉलेज होना चाहिए आपको लेइंग आउट ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स इन द डिसिप्लिन ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स /फॉरेस्ट्री/हॉर्टिकल्चर, और इसके लिए आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा मेन कैंपस नॉनी। नेक्स्ट टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट आप यहां से देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है 16,000 पर मंथ सैलरी, एक वैकेंसी। इसके लिए आपने MCA और MSc इन IT किया होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा मेन कैंपस नॉनी। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके लिए प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है 20,000 सैलरी, 1,000 HRA मिलेगा। एक पोस्ट है जनरल की, MSc इन सॉइल साइंसेज आपने किया होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, या फिर MSc इन माइक्रोबायोलॉजी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी पर्टिकुलरली /PGPR में, मेन कैंपस नॉनी, प्लेसमेंट रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी रिसर्च एसोसिएट 3, 54,000 सैलरी रहेगी, 2 वैकेंसीज है। PhD किया होना चाहिए आपने एग्रो मटेरियोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी या फिर मटेरियोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर फिजिक्स या फिर एनवायरमेंटल साइंस में, इसके लिए आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा बजौरा कुल्लू। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर रिसर्च फेलो, सीरियल नंबर है इसमें 5, 31,000 पर मंथ सैलरी, एक आपकी पोस्ट रहेगी इसमें। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि MSc या फिर MTech किया होना चाहिए मटेरियोलॉजी या फिर MSc इन एग्रीकल्चर इन एग्रीमेट या फिर एग्री फिजिक्स किया होना चाहिए या फिर एग्रोनॉमी या फिर सॉइल साइंसेज या फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स या फिर एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंट मैनेजमेंट या फिर BSc एग्री किया होना चाहिए विद MCA इन कंप्यूटर साइंस, और साथ ही साथ आपका 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें नेट जो है वो इसेंशियल रहेगा, और इसमें आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी मेन कैंपस नॉनी की। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है देख सकते हैं यहाँ से, और इसके लिए सीरियल नंबर 6 पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट, 15,000 सैलरी, एक पोस्ट है MSc किया होना चाहिए एनवायरमेंटल साइंस या फिर फॉरेस्ट्री एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, मेन कैंपस नॉनी, सोलन में इसकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीरियल नंबर 7 जूनियर रिसर्च फेलो, 31,000 सैलरी, 2 आपकी वैकेंसीज इसके लिए, MSc इन फॉरेस्ट्री या फिर हॉर्टिकल्चर में की होनी चाहिए, नेरी हमीरपुर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 15,000 पर मंथ, एक इसमें आपकी वैकेंसी रहेगी BSc इन फॉरेस्ट्री या फिर हॉर्टिकल्चर किया होना चाहिए। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल टू इनक्यूबेशन मैनेजर 25,000 सैलरी, एक वैकेंसी MSc इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स किया होना चाहिए, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा मेन कैंपस इसमें नॉनी का। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 10 रिसर्च एसोसिएट 54,000 सैलरी, एक वैकेंसी PhD किया होना चाहिए एंटमोलॉजी में, और इसमें आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा मशोबरा शिमला में। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट टाइटल के लिए इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान IDP प्रोजेक्ट, इसके लिए यंग प्रोफेशनल 1 पोस्ट 25,000 सैलरी रहेगी इसमें। पोस्ट हैं OBC के लिए 1, UR के लिए 1, BSc इन हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 1, 25,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी, एक वैकेंसी BA ऑनर्स इन इंग्लिश या फिर MA इंग्लिश किया होना चाहिए।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा मेन कैंपस CUHF नौनी सोलन। तो ये हैं टोटल पोस्ट और उनके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो रिसर्च एसोसिएट के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी मेन के लिए, और वीमेन के लिए 45 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। सीनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट फेलो के लिए 35 ईयर्स फॉर मेन और 40 ईयर्स फॉर वीमेन। यंग प्रोफेशनल 1 और 2 के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी बोथ मेल एंड फीमेल के लिए 45 ईयर्स की। यह आपका एज लिमिट क्राइटेरिया। बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म के भरने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 27 अप्रैल 2021 की। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 27 अप्रैल 2021 तक पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए आपको फ़ीस जो है पे करनी होगी ₹250 जनरल कैटेगरी और ₹63 आपको पे करने होंगे अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर OBC हैं या फिर ST हैं या फिर SC हैं। और इसके लिए तो 63 रहेगी रिजर्व्ड कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए ₹250। फीस जो आपको पे करनी है इन शेप ऑफ IPO या फिर बैंक ड्राफ्ट पे करनी है, पेबल रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूको बैंक नौनी सोलन 173230 हिमाचल प्रदेश, और ये आपको प्रिपेयर करनी होगी इन द नेम ऑफ कॉम्प्ट्रोलर डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन। इसके लिए अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट रहेगी ysp.ac.in की। एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2021। तो इतना था गाइज आज की इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की अपडेट्स आगे भी आने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।